पिछले दशक के बेहतर समय के लिए भारतीय टेनिस ने इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है कि अगले सानिया मिर्जा कौन होगी। यहां तक कि खेल जारी होने के बावजूद महिला खिलाड़ी खुद भी इससे दूर जाने के बारे में नहीं सोच रही है। 34 वर्षीय मिर्जा 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो 2020 में प्रतिस्पर्धा करने के साथ ही 4 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट बन जाएगी। मिर्जा ने Olympics.com को बताया कि मेरा करियर शानदार रहा है, ये सिर्फ अपने आप पर विश्वास करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है। मैं अपनी उम्र के 30 साल के पड़ाव में हूँ और मेरा खेल अभी भी जारी है। मैं वास्तव में इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि मैं कब तक खेलूँगी। मैं हर नए दिन के साथ आगे बढ़ती हूँ और वास्तव में भविष्य में बहुत दूर के बारे में नहीं सोचती। 2018 में अपने पहले बच्चे इजहान को जन्म देने के बाद मिर्जा ने पिछले साल जनवरी में होबार्ट इंटरनेशनल WDA इवेंट जीतकर विजयी वापसी की थी। उनके पास एक बेहतर ऊर्जा होगी क्योंकि वो विंबलडन और ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार है, जो एक एक महीने के अंदर आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे ऑन कोर्ट काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कोर्ट के बाहर भी ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं तेज और शक्तिशाली बनने रहने के लिए बहुत सारी आक्रामक गतिविधि और सक्रियता पर ध्यान दे रही हूँ। भारतीय टेनिस सनसनी ने इस सप्ताह इस्टनबोर्न में WTA इवेंट में अपने ग्रास कोर्ट सीजन की शुरुआत की और अपने चौथे ओलंपिक की प्रतीक्षा कर रही है। रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर खेलने वाली मिर्जा को रियो 2016 में मिश्रित युगल स्पर्धा में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था कि मैं पदक जीतने के करीब पहुंची लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाई। ऐसा कहकर मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। मैं भारत का प्रतिनिधित्व करना पसंद करती हूँ जहाँ भी मैं खेलती हूँ, लेकिन विशेष रूप से ओलंपिक में देश के लिए खेलना सभी एथलीटों के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझसे कहा गया था कि अगर मैं टोक्यो में खेलती हूँ तो मैं किसी भी महिला द्वारा किसी के साथ मिलकर सबसे ज्यादा ओलंपिक में भाग लेने वाली खिलाड़ी बन सकती हूँ। मैं यहाँ रहने के लिए हमेशा बहुत आभारी हूँ और अपने अगले ओलंपिक के लिए तत्पर हूँ। मिर्जा संरक्षित विश्व रैंकिंग 9 के साथ ओलंपिक में उतरेगी। हालांकि ये पहली बार है कि महिला युगल स्पर्धा में उनके साथी भी शीर्ष 100 में शामिल है। बीजिंग 2008 में सुनीता राव, लंदन 2012 में रश्मि चक्रवर्ती और रियो 2016 में प्रार्थना थॉम्बर के साथ जोड़ी बनाने वाली मिर्जा भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाली युगल खिलाड़ी अंकिता रैना के साथ जोड़ी बनाएगी। मिर्जा ने कहा, अंकिता एक मेहनती ईमानदार खिलाड़ी है। बिली जिन किंग कप से ठीक पहले उसने मेरे साथ कुछ समय बिताया था और उसने पहली बार भारतीय महिला टीम को बिली जिन किंग कप के प्लेऑफ में पहुंचने में मदद की थी। मिर्जा ने कहा, पहली बार जब मैं उससे मिली तो वो शायद 14 या 15 साल की थी और वो बहुत अनुशासित थी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक साथी महिला भारतीय खिलाड़ी के साथ ओलंपिक में कभी नहीं गई जो दुनिया में शीर्ष 100 में शामिल है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलना वास्तव में अच्छा है जो नियमित रूप से दौरे पर होता हो। उसे लंबे रास्ता तय करना है। वह पूरे सप्ताह खेलती है और अपने स्तर को अच्छी तरह से समझती है। वो चोटों और महामारी के कारण मिर्जा ने 2020 में अपनी वापसी के बाद से सीमित टूर्नामेंट खेले हैं। उन्होंने इस साल केवल कतर ओपन, दुबई ओपन और ईस्टबोर्न WTA के रूप में 3 इवेंट में प्रतिस्पर्धा की है। महामारी के कारण ब्रेक के बारे में उन्होंने कहा, ये जानना बहुत चुनौतीपूर्ण था कि आप शुरुआत में किसके लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, अब हमारे पास कम से कम किसी प्रकार के सामान्य पीठ है। मैं भारत में थी जब पहला लॉकडाउन हुआ था और मेरे घर में एक टेनिस कोर्ट है, इसलिए मैंने पूरी तरह से खेलना नहीं छोड़ा। इसके अलावा मेरे पास सामान्य रूप से बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही थी। पूर्ण प्रशिक्षण में वापस आने के लिए बस कुछ प्रेरणा लेनी पड़ी। मिर्जा WTA सेट पर महान सेरेना विलियम्स के नेतृत्व में सुपर मॉम्स की बढ़ती नस्ल का हिस्सा है। उन्होंने कहा, मुझे अपने माता पिता और बहन से वास्तव में अच्छा समर्थन मिला है, यह सब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। इजहान एक बहुत ही प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला लड़का है। वो समझता है कि जब मैं कहती हूँ कि मैं अभ्यास करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ आता है। खेल और निजी जीवन में तालमेल बिठाने के साथ भारतीय टेनिस सनसनी नई ऊंचाइयों को छूने की उम्मीद कर रही है।